प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पहले हमने इकाई एक का के बारे में डिस्कस किया था। आज आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है और आज हम लोग यूनिट दो यानी कि भारत में सूचना के अधिकार का आंदोलन, किस प्रकार से सूचना का अधिकार हमें हमारे देश के लोगों को मिला, इसके लिए किस क्या संघर्ष करना पड़ा और कौन कौन से राज्यों में सूचना के अधिकार के संबंध में क्या क्या जो आपके कानून थे वो आए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं इकाई दो में भारत में सूचना के अधिकार का आंदोलन। 1990 के दशक की शुरुआत में राजस्थान में सूचना का अधिकार आंदोलन अरुणा राय द्वारा शुरू किया गया। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सूचना तक पहुंच और उसका उपयोग करके स्थानीय भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। राजस्थान के बीवर नामक एक छोटे से धूल भरे शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया गया। यह धरना 44 दिनों तक चला और अंततः 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के रूप में सामने आया, जो अब प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने और सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार से बहुत पहले 11 राज्यों की सरकारों ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने की पहल की थी। राज्यों द्वारा पारित अधिनियम थे तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम 1997, गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम 1997, कर्नाटक सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, आंध्र प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2001, असम सूचना का अधिकार अधिनियम 2001, दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2001, केरल सूचना का अधिकार अधिनियम 2002, उड़ीसा सूचना का अधिकार अधिनियम 2002, मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2003, महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2003, जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2004। इस प्रकार इतने राज्य पहले से ही सूचना के अधिकार कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके थे। सूचना के का जो कानून था जो 2005 में आया, भारत सरकार ने जनवरी 1997 में सूचना का अधिकार और खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता श्री H.D. शौरी ने की। कार्य समूह ने मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता पर अपनी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया। जिन विभिन्न मंत्रालयों से यह विधेयक गुजरा, उन्होंने इसमें बहुत कम रुचि ली, इसलिए किसी न किसी वजह से इसमें देरी हो गई। भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस संस्थान, लोगों की सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान और सूचना के अधिकार के लिए फोरम ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार ने आज से फरवरी 2000 में प्रस्तावित विधेयक में संशोधन करने का आग्रह किया। भारत सरकार ने 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 पेश किया। इसे संसद द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में पारित किया गया। हालांकि इस अधिनियम को आज तक लागू नहीं किया जा सका। जो अधिनियम लागू हो सकता था उसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था। केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की। परिषद ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया। सुझाए गए परिवर्तनों पर विचार करने के बाद सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त करने का निर्णय लिया। अनुच्छेद 19(1) के तहत मान्यता प्राप्त सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के लिए 2005 में एक नया कानून सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अलावा कुछ वैधानिक अधिनियमों में भी संबंधित पक्षों को सूचना का अधिकार निहित रूप में प्रदान किया गया है। ये अधिनियम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1952, जांच आयोग अधिनियम 1952, औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम 1976, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, सेवी नियम, बौद्धिक संपदा कानून और कंपनी अधिनियम 2013। ये ऐसे महत्वपूर्ण कानून थे जिनके तहत भी सूचना का अधिकार लोगों को प्राप्त था, परंतु 2005 के अधिनियम ने
एक प्रॉपरली कोडिफाइड रूप में सूचना का अधिकार आम जनता पहुंचाने का कार्य किया। इस प्रकार से जो ये आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, उसके बाद ये सूचना का अधिकार 2005 के रूप में हमारे सामने आया। यूनिट 2 में सभी शिक्षार्थियों के लिए इतना ही, इसके बाद अगले यूनिट में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।